Assalamu alaikum, I am Mrs. Amita Danish. I am here to teach you English. I am speaking with class 8. Class 8 almost आपका syllabus था वो complete हो चुका था. एक हमने lesson complete किया था with all textual exercises. उसके अलावा हमने ऐसे किए applications के जो letter आपको assignment में given थे वही letters आपको write करने थे अपने registers पे भी. उसकी जो diaries है वो back to back आ जाएंगे for the learning. अब हम जो अदर वर्क्स हैं वो हम उनकी तरफ जा रहे हैं कि जो पेपर में आपके इंक्लूडेड है. मैंने आपको पैसेज सॉल्विंग सिखाई थी, आई रिमेंबर द लास्ट टू वीडियोस. ठीक है, अब हम जा रहे हैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन की तरफ. हाउ टू डू पैराग्राफ ट्रांसलेशन, लुक एट पेज नंबर 181. जी स्टूडेंट, इफ यू कैन सी ये जो पैराग्राफ है, थर्ड लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 181 का है. अ पेरिस इज अ काइंड ऑफ वॉल विच ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ वाटर. अच्छा स्टूडेंट, ये पूरा जो कंप्लीट पैराग्राफ है ये प्रेजेंट में है. तो आप इसकी इस पैराग्राफ की जो फोर लाइंस हैं ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन है. मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा रही हूँ कि कंटिन्यूटी के साथ आप ट्रांसलेशन करते जाए. जब हम पैराग्राफ ट्रांसलेशन करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि सेंटेंस मेकिंग के दौरान या ड्यूरिंग द सेंटेंस मेकिंग हम वर्ड्स को मैनेज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो. कि हमें फ़्लो में करनी है तो हम अकॉर्डिंग टू द फ्लो जाते हैं. तो बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ होते हैं, तो हम उन्हें अपने हिसाब से उन्हें कनेक्ट कर देते हैं. तो उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन वी डोंट हैव टू मेक. अच्छा, अभी एक अनदर पैराग्राफ फॉर यू फ्रॉम द पेज नंबर 180. लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ, लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 180. तो यहाँ पर इफ़ यू कैन सी कि थर्ड लास्ट पैराग्राफ जो कि मैंने 181 पे दिया था वो पूरा प्रेजेंट था. लेकिन यहाँ पे देखें, लुक एट दिस, अनलाइक द सिटी. अब इसकी ट्रांसलेशन आप क्या कर सकते हैं, द वर्ड अनलाइक द सिटी, शहरों के बरक्स, शहरों के बरक्स यानी अपोजिट टू द सिटीज़. अब इस तरह आप अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंप्लीट जो ट्रांसलेशन है आपकी इट विल गो इन द पास्ट टेंस. तो फर्स्ट पैराग्राफ प्रेजेंट में करना है, सेकेंड पैराग्राफ यू हैव टू कम्प्लीट इन द पास्ट टेंस. ये पेज नंबर 180 है, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 180 एंड थर्ड लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 181. तो अगेन आप इफ़ यू कैन सी अगेन अपना असाइनमेंट आप देख लें, जो कि रिटर्न है ट्रांसलेट इन टू उर्दू. ये पेज नंबर 180 है फर्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 181 है थर्ड लास्ट पैराग्राफ. इसके अलावा यू हैव टू लर्न द फर्स्ट वन एप्लीकेशन. मैंने टू एप्लीकेशंस करवाई है ना आपको, तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट यू हैव टू लर्न. इट्स इनफ फॉर दिस क्लास.